जैसा कि दोस्तों 13 सितंबर 2020 में नीट के जो आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम थे वो कंप्लीट हो गए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए सभी जो सोल्यूशन है, चाहे वो बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, सभी के सोल्यूशन एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं जो पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ ये आपका पेपर सेट E1 है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बायोलॉजी का सेक्शन सॉल्व कराऊँगा। तो बायोलॉजी के क्वेश्चन का मैं सीधे आपको आंसर बताते चलूँगा, और कभी मैं जब फुल डिटेल में सॉल्व कराना होगा तो मैं सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए एट्रीब्यूट ऑफ ए पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है, फाइब्रस रूट वाला ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में, मैच द फॉलोइंग डिजीज़, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर इन टू एसोसिएट दोज फीमेल हुज कैन नॉट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, ZIFT एंड IUT। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिफर्स टू, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें करेक्ट पेयर आपको चूज़ करना है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है, जो लाइगेज है DNA सेगमेंट को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स क्रोमोसोम नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैच द फॉलोइंग, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इंटर द ह्यूमन बॉडी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ट्रोपोजोइट्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, आइडेंटिफाई द सबस्टेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर, तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड दोनों रखता है। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन 4, इन्यूलिन एंड इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 12 है, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13 है, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटलाइज बाई नाइट्रोजिनस इन रूट नोड्यूल, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू G1 फेज एंड, ठीक है, इंटरफेज। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, क्यूबॉइडल एपिथीलियम विथ ब्रूस बॉडी ऑफ माइक्रोविलाई, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इज द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकैरियोट सेल, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, गॉल्जी बॉडीज। ठीक है, यही एक ऐसा यूकैरियोटिक सेल में स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट DNA फ्रेगमेंट कैन बी विजुलाइज विद द हेल्प ऑफ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात कर रहा है कि किस टेक्निक के थ्रू DNA फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो इसमें आपको गलत स्टेटमेंट बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, रे फ्लोरिसेंस हैव, ठीक है, तो रे इन्फ्लोरिसेंस कैसे होते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, इन्फीरियर ओवरी, तो जो रे फ्लोरेट्स होते हैं वो इन्फीरियर ओवरी होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज़ रिकॉग्नाइज EcoR1, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर है। क्वेश्चन पूछा, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एन एरोबिक स्लग, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4, एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ए और बी जो कहे गए हैं सही है, बाकी जो तीसरा मतलब सी और डी जो है वो गलत है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। इफ़ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव इट मे लाइव फॉर फ्यू डेज बिकॉज, तो अगर हम कॉकरोच का हेड रिमूव कर देते हैं तो वो कुछ दिनों तक जीवित रहता है क्यों, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर, यानी कि बी और सी स्टेटमेंट सही है, बाकी ए और डी स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मैच द ऑर्गेनिज्म विथ इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, यानी कि इसमें फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है। ठीक है, सैपवुड इज़ द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम। क्वेश्चन नंबर 30 है, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे मैच कराना है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट इज कंप्लीटेड। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी, तो आपको बताना है कि हमारे जो ग्लोब है, मतलब एक तरह से हमारा जो पृथ्वी है, उस पर सबसे अधिक कौन सी स्पीसीज की डाइवर्सिटी है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर, अमेजन फॉरेस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, द ट्रांसवर्सल सेक्शन ऑफ प्लांट सो द फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट, तो ये मिलर एक्सपेरिमेंट का दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, तो इस क्वेश्चन का सीधे मैं आंसर आपको बता देता हूँ, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय, ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट इवोल्यूशन का किसने डिसअप्रूव्ड किया था, ठीक, वो साइंटिस्ट कौन थे, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलेटिंग, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड, रूट प्रेशर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज, ठीक है, निकोटीन, ये इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 42 है, द ऑक्सीजनेशन, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है, बीटी कॉटन वेराइटी द वाज डेवलप्ड बाय द, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट पेट्स, तो बीटी कॉटन इंसेक्ट के, मतलब जितने भी इंसेक्ट हैं उनको खत्म करने में यूज़ किया जाता है, और इससे ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, यानी कि इसमें बी सी और डी स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, इसमें ए स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 45 है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिफर्स टू इम्यूनिटी, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, बाई विच मेथड वाज न्यू ब्रीड, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट ऑप्शन है क्रॉस ब्रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 47, तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग कॉलम, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड है। ठीक है ना,
क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं, प्रेजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज यूरिन आर इंडिकेट द डायबिटीज़ मिलेटस। तो आपको कौन सा कंडीशन बताना है सो कहता है यूरिन का, जिससे पता चलता है कि डायबिटीज़ मिलेटस हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, फ्लोरिडन स्टार्च हैव स्ट्रक्चर सिमिलर टू, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन टू, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 51 है, सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूड ऑल द सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू मियोसिस, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सेकंड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मियोसिस से है, तो इसमें सभी क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया है, सभी फेस को, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ यूनिसेल्युलर एल्गी, राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 55 है, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये रिलेटेड है आपके डिप्लीशन ऑफ ओजोन से, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं, द ओवरी इज हाफ इन्फीरियर इन, तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर, प्लम। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, मैच द ट्रॉफिक लेवल विद द करेक्ट स्पीसीज, तो ये ट्रॉफिक लेवल दिया हुआ है और इसको सही मैचिंग कराना, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 61 है, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग, तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 है, जिसका राइट आंसर है 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं, ये भी मैच द फॉलोइंग कॉलम है विद द सेलेक्टेड करेक्ट ऑप्शन, ठीक, तो यहाँ पर आपको राइट ऑप्शन बताना है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 63 है, तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, इंसेक्ट और विंड, ठीक है, तो इनके थ्रू पोलिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, जिब्रेलिन। क्वेश्चन नंबर 65 है, इन लाइट रिएक्शन, तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आपका ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनहिबिटरी सबस्टेंस, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 67 है, नेम द एंजाइम ऑफ द ओपनिंग डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, तो एंजाइम का नाम बताना है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम है जो कि डीएनए हेलिक्स को खोलता है, ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, डीएनए हेलिकेज। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प टू प्रिवेंशन ऑफ, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 69 है, इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन मैं सीधे बता देता हूँ, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 70 है, मैच द फॉलोइंग कॉलम, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं, सम डिवाइडिंग सेल, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, G1 फेज। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं, फ्लिपर्स, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू, ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड है, 2.2 मीटर। बात करते हैं 75 की, तो 75 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 76 है, तो इसमें भी मैच द फॉलोइंग कॉलम है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए इनटू द वेक्टर
इस टर्म, ठीक। तो आपको बताना है कौन सा सीक्वेंस होता है जो कि कॉपी नंबर कंट्रोल करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, ORI साइट। क्वेश्चन नंबर 79 है, आइडेंटिफाई द बेसिक एमिनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा एमिनो एसिड बेसिक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, लाइसिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 है, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपको चूज़ करना है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 81 है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है, बाकी सभी तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल्स। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड, कोलेजन। क्वेश्चन नंबर 83 है, एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन फोर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 है, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड है, यानी कि वन आंसर आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 86 है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है, डिप्लोटीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है, बायलेटरली सिमेट्रिकल। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 88 है, द बॉडी ऑफ इवोल्यूशन इज। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं, तो यहाँ पर गोल्बेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 में यहाँ पर दिया हुआ प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि इतना समय नहीं है। मैं सीधे आपको आंसर बताऊंगा और आप हर क्वेश्चन को मैच करा लीजिए, उसके आंसर को मैच करा लीजिए। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर एक सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, द मिक्सचर विच शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर वन है, एथेनॉल और एसीटोन, ठीक है। दोस्तों इसमें मैंने सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चन को नहीं लिया है, तो आप इसमें सिस्टमेटिक ढंग से मत चलिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन अप डाउन होंगे, आप उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को मैच करा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के वैद्युत अपघटन पर एनोड पर प्राप्त उत्पाद होगा, ठीक है। तो इसका आपको राइट आंसर है, मैं राइट ऑप्शन है ऑप्शन टू, ऑक्सीजन गैस। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन कौन सा है और इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन परीक्षण देगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एनिलीन, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए और उचित विकल्प पहचानिए। तो यहाँ पर आपको मैचिंग कराना है और उसके अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन बताने हैं। तो आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, आप अपनी बुकलेट में देख लीजिए कौन सा सीरीज़ है, उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। तो दोस्तों कुछ ही देर में मैं आप सभी के लिए बायो के लिए भी आंसर की लेकर आऊँगा, तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं कुछ ही देर में आपके लिए बायोलॉजी के भी आंसर की लेकर आऊँगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन की तनु NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया इस प्रकार की जाती है, ठीक है। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर, क्रॉस एल्डो कंडेंसेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर है इसका राइट ऑप्शन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूरिया जल के साथ अभिक्रिया द्वारा ए बनाता है और जो विघटित होकर बी बनाता है। जब बी को कॉपर आयन के जलीय विलयन से गुजारा जाता है तब सी का गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त हो जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन टू है, इसको नोट कर लीजिए। यानी कि यहाँ पर निम्नलिखित में सी का सूत्र पूछा हुआ है, तो जो सी का सूत्र होगा वो ऑप्शन टू जो कि करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारी अमीनो अम्ल है। तो क्षारी अमीनो अम्ल का राइट ऑप्शन है यहाँ पर लाइसिन,
जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो हम सभी जानते हैं जो लाइसिन है वह एक क्षारी अमीनो अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी एल्केन वुड्स अभिक्रिया द्वारा अच्छी लब्धि में नहीं बनाई जा सकती है। ठीक है, तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाई वुड्स रिएक्शन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम आयन इज। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2, 4.90 Bm। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और अगले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का मैंने राइट ऑप्शन आपको बता दिया है, राइट ऑप्शन 2 है। अगला है, पहचानिए कि कौन से अणु का अस्तित्व नहीं है। आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिट। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1 है, हीलियम के मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकते क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये नोबल गैसेस हैं और जनरली इनका अस्तित्व नहीं होता। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है और उसका राइट आंसर क्या होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा धनायनी अपमार्जक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कैटोनिक डिटर्जेंट। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर पहला ऑप्शन लगा हुआ है तो पहला ऑप्शन नहीं है, आप इसको सही करिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है, मैंने टिक लगा दिया है, आप इसको जरूर मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन 1 नहीं है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। तो आपको इसमें राइट स्टेटमेंट बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन थर्ड है, निकिल के लिए वाष्प प्रवस्थाएं शोधन वैन आर्केल विधि द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसके कारण एक तृतीय ब्यूटिल कार्बोधनायन एवं एक द्वितीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन से अधिक स्थायी होता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है, अति संयुग्मन यानी कि हाइपर कंजुगेशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और उसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से सल्फर के किस ऑक्सो अम्ल में, ठीक है, ओ मतलब कि परऑक्साइड बॉन्ड पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन थर्ड। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन थर्ड है इसका राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, एक एल्कीन ओजोनोलिसिस द्वारा एक उत्पाद के रूप में मेथेनल देती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किसी अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि से परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर, यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4, संघटित आवृत्ति में यानी कि कोलिजन फ्रिक्वेंसी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 इसका, क्वेश्चन नंबर 33 का। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 37, तो इसमें सुक्रोज जल अपघटन पर देता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभिक्रिया में निम्नलिखित क्रम में एक्स यौगिक को पहचानिए, यानी कि यहाँ पर जो एक्स है उस यौगिक को आपको पहचानना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2 है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि परमाणुओं की संख्या अधिकतम किसमें होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कौन सा सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से बंधित हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर ऑक्साइड दिया हुआ है और प्रकृति दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं सीधे इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन 2 है, आप इसको मैच करा लीजिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समन्वय यौगिकों को बनने के लिए संलयन की बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता का कौन सा सही क्रम है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक तत्व को 278 Pm सेल कोर वाली काय केंद्रित घनिष्ठ संरचना की आपको परमाणु त्रिज्या बतानी। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन फर्स्ट। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, आप इसको टिक लगा लीजिएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से अणुओं को किस समुच्चय का शून्य द्विगु आघूर्ण होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हुआ दिया हुआ है देखते हैं। अगला क्वेश्चन 21 है, 2-ब्रोमो-पेंटेन से पेंटेन 2-इन बनाने की विलोपन अभिक्रिया है, ठीक है? तो यहाँ पर कौन सी विलोपन अभिक्रिया होगी? तो यहाँ पर क्रम दिया हुआ है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1 है, यानी कि ये तीनों नियम का पालन करता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। किसी आदर्श गैस के रुद्धस्म परिस्थितिकी के लिए इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2 है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उचित कथन पहचानिए। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है।